भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष खालिद गुड्डू से द न्यूज इंडिया के संवाददाता मुस्तकीम खान ने एक खास मुलाकात की और वही बड़ी समस्या जिससे शहरवासी जूझ रहे हैं, टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ चल रही जंग के बारे में उनसे पूछा। तो चलिए देखते हैं खास मुलाकात। इस वक्त हम भिवंडी शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के खालिद गुड्डू साहब के पास मौजूद हैं। भिवंडी शहर में टोरेंट पावर कंपनी का मुद्दा जो है इन्होंने उठाया और कई धरना मोर्चा आंदोलन इन्होंने किया, लेकिन कुछ ही दिन पहले 5 तारीख का इनका बाइक रैली था। उस विषय में रैली ना होने के वजह से भिवंडी शहर में एक चर्चा का विषय बन गया कि आखिर राष्ट्रवादी पार्टी ने क्यों बाइक रैली नहीं किया, आखिर क्यों राष्ट्रवादी पार्टी इस मामले में चुप बैठ गई। इस तरीके का विषय भिवंडी शहर में देखने को मिला, लेकिन आज हम जानेंगे खालिद गुड्डू से कि आखिर क्यों ये मामला रुका और 13 तारीख की मीटिंग में क्या हुआ। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि द न्यूज़ इंडिया इस खबर को कंटिन्यू दिखाया और दर्शकों को दिखाया कि भिवंडी शहर के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी ने किस तरीके से मुद्दा उठाया और टोरेंट पावर कंपनी को भगाने से लेकर के उन्होंने कुछ मुद्दा और मामला रखा था कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। तो हम जानते हैं खालिद गुड्डू से आखिर क्या हुआ 13 तारीख की मीटिंग में और उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहा। हमारा जो बाइक रैली का मोर्चा था जो मुंबई के लिए 5 नवंबर को जाने वाला था, उसके पहले ही हमारे सुप्रीमो आदरणीय शरद पवार साहब ने 3 तारीख को पुणे में एक मीटिंग लिया। सारे मुद्दे के ऊपर उनकी हमारी चर्चा हो गई। उसके बाद उन्होंने महावितरण के लोगों को 13 तारीख को सह्याद्री में 4 बजे तलब किया और साथ में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जो बावन कुले साहब हैं उनको भी उन्होंने फ़ोन लगाकर कहा कि हम जो है टोरेंट के मुद्दे पे और टोरेंट के बारे में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, धरने मोर्चे भिवंडी में चल रहे हैं, बहुत से जनता के साथ गलत तरीके की लूटपाट हो रही है, उसके लिए उन्होंने वो सब मीटिंग तय किया और सह्याद्री में 13 तारीख को मीटिंग हो गई, शरद पवार साहब की मौजूदगी में हो गई, उनके अध्यक्ष खाली। वो मीटिंग में सारे मुद्दों पे 24 मुद्दों पे चर्चा हुआ। 24 मुद्दे पे चर्चा होने के बाद 8 मुद्दे उन्होंने ताबड़तोड़ मान लिया। 8 मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा था भिवंडी शहर में टोरेंट कंपनी जिस तरीके से लोगों को धमका के डरा के सेक्वर कंपनी का मीटर लगा के उसमें मीटर उनका 30-35% फास्ट चलता है, उस फास्ट मीटर का हमारा एक बड़ा एलिगेशन था कि हम तुम्हारे सेक्वर कंपनी का मीटर नहीं लगाएंगे, जो महावितरण कंपनी की मान्यता प्राप्त कंपनी है हम वो मीटर लगाएंगे। सिर्फ सेक्वर का ही क्यों, क्योंकि L&T का और भी बहुत सी कंपनियों का मीटर आ रहा है, तुम सेक्वर का लगाने के लिए क्यों प्रेशर कर रहे हो, क्योंकि उनका वो ऑर्डर दे के लाखों की तादाद में मीटर बनवा के उन्होंने 30% फास्ट रखा है वो मीटर। इसलिए सबसे बड़ी जीत भिवंडी के लोगों की हुई है। उन्होंने 13 तारीख की मीटिंग में ये फाइनल हो गया कि कोई भी कस्टमर या कोई भी कंज्यूमर, शहर की कोई भी जनता अपनी चॉइस की कंपनी का मीटर लगा सकते हैं, जिसकी तकरीबन 1,550 रुपये कीमत है। 1,550 रुपये में वो मीटर खरीद के और इनको एक एप्लीकेशन दे और अपना मीटर बदल लें, क्योंकि इनका मीटर 30-35% फास्ट चलता है, इसलिए लोगों के घर पे बिल ज़्यादा आती है। तो ये जो चोर कंपनी है टोरेंट, इनके और बहुत से जो मुद्दे हैं, हमने 24 मुद्दे की कंप्लेंट की थी जिसमें से 8 मुद्दे के ऊपर सुनवाई हुई। नोडल ऑफिस जो तोहफा पे कल्याण रोड पे जो ऑफिस थी जहां महावितरण के अधिकारी बैठते थे वो बंद हो चुकी थी, तो वहां पे तुरंत उन्होंने 1 महीने के अंदर वहां पे एक नोडल ऑफिसर भेजने के लिए जो है आदेश दिया है कि ताबड़तोड़ जो लोग टोरेंट कंपनी से टारगेट हो रहे हैं, जो लोग टोरेंट कंपनी से सताए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का तकरार निवारण केंद्र होना चाहिए, और जो कल्याण रोड तोहफा पे जो उनकी पुरानी ऑफिस है वहां पे एक अधिकारी बैठेगा जिसको नोडल ऑफिसर बोलते हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो पावर फैक्टर है, जो पावर इनका 220 होना चाहिए और ये हमेशा जो है फ्लक्चुएशन करता है, पावर इनके कम ज्यादा होने की वजह से भिवंडी में मीटर उसमें जंप करता है और बहुत सी जगह पे देखो आप आग लग जाती है, बहुत सी जगह पे अभी कई जगह मैंने देखा है कि इन्होंने जो कैप्सूल लगाया वो फट जाता है, जल जाता है। अभी एक झूला मैदान के पास भी कहीं आग लगी हुई थी किसी के घर में। तो फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, वो इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये
कैपेसिटर वगैरह ट्रांसफार्मर के ऊपर लगाएंगे तो ये फ्लैक्चुएशन नहीं होगा और उससे मीटर भी जंप नहीं करेगा। उसके ऊपर उन्होंने एक ऑर्डर किया है। ऐसे तकरीबन 8 मुद्दों पे हमारी सुनवाई हुई है। जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम किसी भी कंपनी का मीटर लगाएंगे, इनकी कंपनी का, सिक्वर कंपनी का जो टोरेन मीटर देती है, जो मीटर फास्ट है, वो हम नहीं लगाएंगे। उसके ऊपर उन्होंने सुनवाई करके ऑर्डर भी दे दिया है। त्वरित ताबड़तोड़ आज अगर हम मीटर देते हैं तो 2 दिन में हमको उनको मीटर लगा के देना है, जो NABIL की टेस्ट रिपोर्ट के साथ, वो मीटर कंपनी अपने को टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही देती है। तो हमारी 8 मुद्दे पे उन्होंने मंजूरी दी है। बाकी जो मुद्दे हमारे हैं 24 में से 16 मुद्दे जो बचे हैं, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी बनाकर उसके ऊपर वो सुनवाई होने वाली है। जो हमारे पास ऑर्डर है 13 तारीख की मीटिंग का जो मिनट्स कायम हुआ है वो 27 नवंबर को हुआ है और हमारे हाथ में 2 दिसंबर को ये ऑर्डर आया है। तो जब तक हमारे हाथ में कुछ लेखी नहीं आ जाता तब तक हम मीडिया के सामने कोई भी बात या कोई भी खुलासा नहीं कर सकते। अभी हमारे पास ये खुलासा आ गया है जो हम आपके सामने जो है रख रहे हैं। 8 मुद्दों के ऊपर चर्चा हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने पावर चोरी के ऊपर जो हमारी चर्चा थी कि जो गलत तरीके से ये झूठे केस करके लोगों से पैसे वसूलते हैं, तो अगर कोई पावर चोरी करता है तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ये जो है उनके ऊपर कायदे से 135 का कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर केस होना चाहिए। तुम गलत तरीके से केस ना करके, गलत तरीके से धमका के, पुलिस के कंधे पे बंदूक रख के तुम पैसा वसूलते हो, उनको धमकाते हो, तो अगर कोई चोरी करता है तो उनके ऊपर कायदे से तुम कार्रवाई करो, ना कि तुम उसको गलत तरीके से पैसे की मांगनी करते हो। तो ये सब सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा हो गई और वो मुद्दे पर उन्होंने आगे भी जो कुछ हमारी मुद्दे पेंडिंग हैं, बचे हैं, वो मुद्दे पे वो जो कमेटी बैठेगी, जो नोडल ऑफिसर आएगा, उसके सामने हम बाकी सारे अपनी मांगनी को रखे हैं और वो कमेटी तय करेगी। उसमें कई लोग हैं कमेटी में, तो जिम्मेदारी मंत्री महोदय ने उनको दिया है। जैसे ये मान लिया जाए, आपने कहा कि हमारा ये सारे विषय पे चर्चा हो गया है और 8 मुद्दे आपके फाइनल यानी हो चुके हैं जो उन्होंने मान लिया है, लेकिन अगर बाकी मुद्दों पे आगे नहीं मान रखा उन्होंने तो आप लोग क्या करेंगे और राष्ट्रवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, हमारा सवाल है आपसे, शहर का कोई भी मुद्दा हो, चाहे टोरेंट से जुड़ा हुआ हो, चाहे कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे रेसनिंग डिपार्टमेंट से, शहर की आवाम का जो मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है। और जो भी मुद्दे पे हमको लड़ाई हमारी टोरेंट चोर कंपनी से लड़ रहे हैं, हम इनको किसी भी मुद्दे पे छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा बचा हुआ जो मुद्दा है वो भी बहुत अहम है और वो भी मुद्दे पे हमारी लड़ाई चालू है और मैं इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी तो हमारा 8 मुद्दा तय हुआ है, आगे भी जो हमारा 16 मुद्दा बचेगा हम उसके ऊपर। गुड्डू साहब, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पॉलिटिक्स करते हैं वो कोई भी मामले को उठा लेते हैं और मामला उठाने के बाद थोड़ा सा झलक जनता को दिखा देते हैं, फिर वो अपने चुप्पी साध लेते हैं। क्या राष्ट्रवादी पार्टी इसमें ऐसा करेगी या राष्ट्रवादी पार्टी इस पे अड़ी रहेगी, ये जनता को आप बताइए। हमारी जो लड़ाई टोरेंट कंपनी से चालू है, ये लड़ाई हमारी हमेशा रहेगी। जब भी इस शहर में किसी शहर के आवाम या जनता के साथ ये गलत काम करेंगे टोरेंट कंपनी, हम हमेशा उनका साथ देंगे और टोरेंट कंपनी को जो हमारी लड़ाई है, ये मुठभेड़ हमारी हमेशा रहेगी। इनको हम शहर को लूटने और शहर को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम टोरेंट कंपनी को गुजरात का रास्ता दिखाएंगे, मगर यहाँ की आवाम को भी साथ में ईमानदारी से आना पड़ेगा। जब जब राष्ट्रवादी रोड पर उतरेगी, जब जब इन चोर कंपनी से हम लड़ाई लड़ेंगे, तब तब यहां की आवाम को भी साथ देना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा, कानून से भी लड़ना जानता हूं मैं, और जैसे चाहे धरने मोर्चे की शक्ल में, धरने मोर्चे की शक्ल में, और नियम कानून से लड़ना चाहे। हम बहुत से मुद्दे इनके MERC में भी लेके जा रहे हैं, बहुत से मुद्दे हम हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, हमारा काम चलता रहेगा। हमने 2-4 पिटीशन भी इनके खिलाफ अभी फाइल किया है और MERC में भी हम जा रहे हैं, जो इनके खिलाफ गलत तरीके से जनता से पैसा ले रहे हैं। आज ही मैंने अखबार में देखा है अडानी के ऊपर MERC ने नोटिस निकाला है और बहुत बड़ी न्यूज एक बनी है। तो वो भी मुंबई के शहर की आवाम को अडानी कंपनी लूट रही थी, उसी तरीके से ये शहर को, हमारे भिवंडी शहर को टोरेंट कंपनी लूट रही है, बर्बाद कर रही है। तो हम चुप नहीं बैठने वाले, वो और लोग होंगे जो इनका हराम का खा के डेकार लेते होंगे। खालिद गुड्डू नहीं, ये चोर कंपनी को सबक सिर्फ सिखाएगी तो राष्ट्रवादी सिखाएगी और खालिद गुड्डू सिखाएगा। तो ये थे खालिद गुड्डू साहब, राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष भिवंडी शहर, जिन्होंने एकदम कड़े
मेहनत से मेहनत कर रहे हैं और टोरेंट पावर कंपनी के पीछे लग के 8 मुद्दों को हल कराया और आगे भी इनसे लड़ाई इनकी रहेगी या टोरेंट पावर कंपनी इनके सारे जो मुद्दे हैं उसको सुनवाई करेगी या तो फिर टोरेंट पावर कंपनी के लिए ऐसे ही कदम खालिद गुड्डू उठाएंगे ऐसा कहना है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात खालिद गुड्डू साहब से। आगे हम और भी सवाल जवाब खालिद गुड्डू से लेंगे जैसा भी इस विषय पे मामला रहेगा। कैमरा जर्नलिस्ट आर मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकीम खान, द न्यूज़ इंडिया, भिवंडी।